घर पे आराम से लेटने के लिए रिक्लाइनर ढूंढ रहे हो या फिर लिविंग रूम के लिए रिक्लाइनर ढूंढ रहे हो, या आपके बेडरूम के पास बस बैठा हो, कुछ रीडिंग करनी हो उसके लिए रिक्लाइनर ढूंढ रहे हो, कोई भी नीड हो, यही बात करेंगे आज हम इस वीडियो में, बेस्ट 5 रिक्लाइनर्स दैट यू कैन बाय। सबसे पहले रिक्लाइनर्स की बात करने से पहले यार हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या पॉइंट्स दिमाग में रखने चाहिए रिक्लाइनर लेने से पहले। तो मैंने कुछ कुछ ब्रेक डाउन किए हैं, आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है टाइप ऑफ रिक्लाइनर। देखो मेजरली दो टाइप के रिक्लाइनर्स होते हैं, एक होते हैं मोटराइज या इलेक्ट्रॉनिक, एक होते हैं मैकेनिक, यानी कि जिसमें आपको खुद करना पड़ता है, मैनुअल भी कह सकते हैं आप उन्हें। तो यार जनरली जो इलेक्ट्रिक और जो मोटराइज होते हैं इसमें या तो वो बैटरी से चार्ज होकर चलते हैं या फिर खुद एक वायर से चार्ज होके वो चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली आगे पीछे होते रहते हैं, कंफर्टेबली एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे आते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं, जो ज़्यादा कंपैरेटिवली चीपर होते हैं, वो होते हैं मैनुअल रिक्लाइनर्स। मैनुअल रिक्लाइनर्स में आपको खुद ही अपने बटन हाथ यहाँ लगा कर खुद एडजस्ट करना पड़ता है कि आपको कितनी हाइट चाहिए कितनी नहीं चाहिए ये सब। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पेस की। देखो यार आप अगर रिक्लाइनर लोगे ना तो उसमें स्पेस बहुत मैटर करेगी कि वो रिक्लाइनर कितनी स्पेस लेता है, कि आपके लिविंग रूम के लिए आपको वो चाहिए, आपको बेडरूम के लिए चाहिए, तो कौन सा रिक्लाइनर बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आपके लिविंग रूम के लिए चाहिए तो शायद आप थोड़ा लंबा या बड़ा ढूंढ रहे हो या फिर आप छोटा ढूंढ रहे हो, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हम कंसिडर करेंगे बिफोर चूजिंग दिस रिक्लाइनर्स। मैं आपको लिविंग रूम का भी एक दो ऑप्शन बताऊंगा, एक दो बेडरूम के हिसाब से बताऊंगा, आप देन परफेक्टली डिसाइड कर सकते हैं अपने घर की स्पेस के हिसाब से कि यार ये ठीक रहेगा मेरे लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैब्रिक की। देखो यार फैब्रिक भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अगर एक रिक्लाइनर ले रहे हो तो एक तरह का एक कुशन, एक कंफर्टेबल चीज ले रहे हो जिस पे आप बैठना चाहते हो, काफी देर बैठना चाहते हो, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि यार वो किस मटेरियल से बना हुआ है, अंदर भी और ऊपर भी, क्योंकि ऊपर से आप लुक और वो सब डिसाइड करोगे किस फैब्रिक से वो बना हुआ है, उससे आपको पता चलेगा कि आप कितनी देर बैठ पा रहे हो, कितना कंफर्टेबल है कितना कंफर्टेबल नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है आप लेदर का चाहते हो तो लेदर वाला बहुत कंफर्टेबल रहता है, आप उसमें आराम से बैठे रह सकते हो। हो सकता है आप कपड़े का चाह रहे हो तो कपड़े का फैब्रिक के लिए आपको कहाँ आपको आपके लिविंग रूम में रखना है उसके लिए आपकी यूजेज है, कैसी यूजेज है, वो आपको बहुत डिपेंड करेगा कि आपका फैब्रिक किस तरह का है, क्योंकि जो आपको कंफर्टेबल है ना आप वही चूज करना जो आपके घर की स्पेस के आसपास के हिसाब से फिट बैठता हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, आइए चलते हैं सीधा बेस्ट 5 रिक्लाइनर्स दैट आई वुड रिकमेंड यू टू बाय इन 2022। देखो नंबर 5 पे है स्लीपी हेड का RX5। देखो ये रिक्लाइनर काफी कंफर्टेबल है, इसकी लेंथ जो एक तरह से ये जगह लेता है नीचे से वो 79 सेंटीमीटर्स है, तो यानी कि लगभग 80 सेंटीमीटर के आसपास का है, कि 170 सेंटीमीटर्स की डेप्थ है और इसकी हाइट आपको मिलेगी 79 सेंटीमीटर्स की। ये रबर वुड मटेरियल से बना हुआ है तो अच्छा मटेरियल है, काफी कंफर्टेबल रहता है वो मटेरियल बैठने के लिए और आपको जल्दी से वो खराब भी नहीं होता। इसका ओवरऑल वेट 38 kg है और आपको इसको खुद असेंबल करना पड़ता है, यानी कि आपको जो उसका बड़ा पार्ट है वो खुद लगा कर रखना पड़ेगा। इसके आपको 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलेगी, जो भी इसके मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स हैं उन पर कोई भी फॉल्ट आता है तो आप 3 साल तक उनको ठीक करा सकते हैं, उसमें रिफंड ले सकते हैं। ऑल्सो ये सर्टिफाइड और टेस्टेड है, इसने अलग अलग टेस्ट पास करे हुए हैं। जो मैं ये आपको कलर बता रहा हूँ ये इटालियन ग्रे कलर है और आपके लिविंग रूम के हिसाब से यार ये परफेक्ट रहेगा मेरे को लगता है, और वहां के लिए अगर आपको लिविंग रूम में रखना हो इसका कलर, इसका जो आप कपड़ा देख रहे हैं ग्रे कलर का, वो काफी अच्छा लगेगा आपके लिविंग रूम में, स्पेशली अगर आपके आसपास की स्पेस में ब्राइट कलर्स है तो उसमें बहुत अच्छे से परफेक्टली सूट कर जाएगा। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 16,149, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। 4th नंबर पे आता है वेकफिट का स्टारगेजर रिक्लाइनर। यार जैसे कि आप नाम से अंदाजा लगा पा रहे हैं ये बहुत कंफर्टेबल रिक्लाइनर है, ये काफी पीछे तक जाता है, आप पूरा लेग स्प्रेड करके आराम से इसको लेट सकते हैं। अगर आपकी बालकनी वगैरह में आपको बैठ के, जैसे कि नाम कहता है स्टार गेजिंग, तो आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, आप बैठ के मूवी शोज देख सकते हैं आराम से, इतना कंफर्टेबल रहेगा ये आपके लिए। ये लेदर का नहीं है लेकिन इसकी जो कवरिंग है वो लेदरेट है तो आपको पूरा फील लेदर का ही देता है, आपको ऐसा लगता है कि आपने लेदर का ही पूरा ब्राउन कलर का एक रिक्लाइनर खरीद लिया है। इसके अंदर जो फिल मटेरियल है वो फोम का है, तो यानी बहुत सॉफ्ट और बहुत कम्फी सा जो कहते हैं ना इसे, वो लगेगा बिल्कुल। इसकी भी 3 साल की वारंटी है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स पर, अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में कुछ दिक्कत आ जाए, आपका जो मैनुअल कंट्रोल है आपका रिक्लाइन करने का वो उसमें अगर कुछ अंदर से कुछ फॉल्ट आ जाता है तो वो भी रिपेयरेबल है। ऑल्सो नीम मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि
ये बिल्कुल नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करके ये पूरे इस रिक्लाइनर को बनाया गया है। मुझे इसकी सबसे खास बात ये लगी कि यार पर्सनली स्पीकिंग तो ये ना वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसमें आप तीन मोड कर सकते हो, आप आराम से ऐसे पीछे लेट सकते हो, आप आराम से इसको स्टार गेजिंग कर सकते हो। इसमें अलग अलग तीन वेरिएशन भी आते हैं, आपको दो लोगों के लिए चाहिए, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बैठना चाहते हैं, इसमें तीन लोगों के लिए आते हैं, आपकी पूरी फैमिली के लिए, तो बहुत अच्छा और बहुत बड़ा फिर काउचिंग रिक्लाइनर टाइप भी आप खरीद सकते हैं। ये बहुत कंफर्टेबल आर्म रेस्ट भी है और इनफैक्ट आप उस पर आराम से सर रख के सो भी सकते हैं। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 15,000 की, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए प्लीज, थैंक यू। तीसरा हम बात करेंगे ड्यूरोफ्लेक्स की। ड्यूरोफ्लेक्स का रिक्लाइनर आता है ड्यूरोफ्लेक्स एवलॉन। ये बहुत कंफर्टेबल रिक्लाइनर है। अगेन इसकी सबसे खास बात यह है इसकी क्वालिटी, क्योंकि ड्यूरोफ्लेक्स की ओवरऑल क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है उनके प्रोडक्ट्स की, तो इस वाले की भी काफी अच्छी है। इसका मटेरियल फैब्रिक का है तो विच इज वेरी कंफर्टेबल और आपको हाथ फाथ रखने में भी बहुत मजा आएगा। इसका जो बैक सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इसका पूरा डिजाइन किया गया है वो इस हिसाब से किया हुआ है कि आपके बैक को बहुत अच्छी सपोर्ट मिले और आपके बैक को बिल्कुल रेस्ट करने का मौका मिले। इसके आर्मरेस्ट में भी बहुत कुशन्स हैं और इसका जो बैक, जैसे मैंने आपको बताया, इसका बैक सपोर्ट भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए आप इस पे बहुत लंबे टाइम तक बैठना चाहो ना तो कंफर्टेबली बैठ सकते हो। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, आप बुक पढ़ रहे हो, आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेगा। लंबे लंबे आप 6-8 घंटे इस पे आप बैठे रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं एंड आपको एक भी दिक्कत नहीं आएगी, आपको बैक में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको शोल्डर वगैरह में दिक्कत नहीं आएगी, इतना कंफर्टेबल है। इसका मटेरियल पॉलिएस्टर का है विच इज़ गुड, दैट मीन्स कि ये ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक जाएगा और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। ऑल्सो इसमें एक और बहुत खास चीज़ का ध्यान रखा गया है विच इज़ एब्रेसन रेजिस्टेंस। मैं इसका आसान भाषा में बताऊँ तो ये आपके कलर को फेड होने से बचाता है। आपका कलर जो भी मटेरियल है ड्यूरोफ्लेक्स का, जैसे ये वाला सपोज ग्रे है, आप कोई और कलर का भी लेते हैं तो उसका कलर बहुत इजीली फेड नहीं होगा। इस पे आपको तीन रिक्लाइनर पोजीशंस मिलती हैं, 3-in-1। आपके रीडिंग के लिए एक पोजीशन बनेगी, आपके वॉचिंग टीवी के लिए एक पोजीशन बनेगी, आपके रेस्ट करने के लिए एक पोजीशन बनेगी, यानी कि 3-in-1 रिक्लाइनर है ये। ये पाइन मटेरियल से बना हुआ है और इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 16,958। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर लीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं होम सेंटर की ज्यूरिक रिक्लाइनर की। ये भी बहुत अच्छा रिक्लाइनर है दोस्तों, जो भी कस्टमर इसके फीडबैक आए हैं वो बहुत पॉजिटिव आए हैं। ये हाई क्वालिटी लेदर से बना है, यानी कि इसका जो लेदर है ना बहुत कोई ढीला वीला लेदर नहीं है, इट्स वेरी गुड क्वालिटी लेदर। इसका वेट थोड़ा हेवी है बट दैट ऑल्सो मीन्स कि इस पर आप ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, इस पर आप कुछ सामान वामान रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं। 130 kg का वेट है इसका। इनफैक्ट इसकी आर्मरेस्ट जो टेस्टेबिलिटी पे आई है वो 40 kg आई है, यानी कि अगर आप 40 kg से कम है या फिर आप 40 kg से कोई छोटे बच्चे को यहाँ बिठा दे तो वो भी बहुत आराम से इसके आर्मरेस्ट पे बैठ सकता है। ये बहुत कम केमिकल्स यूज करते हैं, इनफैक्ट 2-3 जो केमिकल्स रिक्लाइनर में यूज होते हैं जैसे कि अज्योडी या फॉर्मलडिहाइड, ये दो तरह के केमिकल्स हैं जो रिक्लाइनर्स में यूज होते हैं, लेकिन इस वाले रिक्लाइनर में वो यूज नहीं करते। ये भी आपको 3 साल की वारंटी मिलेगी और इसकी एक बहुत खास बात यह है कि जो सेलर है होम सेंटर वाले वो खुद आपके घर आकर इसको लगा कर जाएंगे। अनलाइक द प्रीवियस वंस वहां पे आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा, लेकिन इस वाले में आपको खुद इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, सेलर खुद आके आपके घर में इंस्टॉल करके जाता है। इसकी लेंथ है 99 cm, तो ये थोड़ा लंबा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आपके घर में इतनी जगह है और आप कंफर्टेबली इसे फिट कर सकते हैं तो दिस कैन बी अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू टू गो। ये फॉक्स लेदर से बना है और अंदर से इसने वुड मटेरियल को यूज किया गया है। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 18,999 की, लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो। कमिंग टू द फाइनल रिक्लाइनर ऑफ टुडे एंड दैट इज होम सेंटर्स बर्लिन रिक्लाइनर। इसकी वारंटी थोड़ी कम है, 1 साल की वारंटी देते हैं लोग, लेकिन इसका जो लेदर रेट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छे से बना हुआ है और सबसे खास बात इसकी ये है कि ये गाइज इलेक्ट्रिक है। मैंने कहा था आपको कि मैनुअल एक अलग होते हैं जिसमें आप खुद यूज करते हैं, अप डाउन करते हैं रिक्लाइनर खुद, लेकिन ये इलेक्ट्रिक है, यानी कि आप इस पे बस एक बार लेटेंगे बैठेंगे तो ये अपने आप बटन से आप एडजस्ट कर सकते हैं आपको कितना करना है, विच इज वेरी कंफर्टेबल यार। इसमें आराम से, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, आपको अपना खुद एडजस्ट करने की जरूरत नहीं, आपके बॉडी के हिसाब से आप अपने कंफर्ट के हिसाब से इसे खुद एडजस्ट कर सकते हैं एग्जैक्टली एज यू वॉन्टेड, और ये इलेक्ट्रॉनिक उससे चलता है विच इज अ ग्रेट थिंग। तो ऑब्वियसली थोड़ा महंगा जरूर हो जाता है, लेकिन अगर आपके पास बजट है तो आप जरूर इलेक्ट्रॉनिक के लिए इसमें ऑप्शन बहुत अच्छी रहेगी। इसकी पूरी इंस्टॉलेशन भी कंपनी वाले खुद ही प्रोवाइड करते हैं तो आपको उसका भी स्ट्रेस नहीं लेना है। इसकी लेंथ है 89 cm, तो आपके लिविंग रूम वगैरह के लिए बहुत अच्छा रहेगा यार। और गाइस अगर आप अपने घर पे बैठे हुए हैं और बार बार मैनुअल करना है, यार देखो सबके लिए ईजी नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉनिक वाले का ना सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आपका बिल्कुल कंफर्ट होता है और आपका एक लग्जूरियस प्रोडक्ट जब आप ओन करते हो ना तो उसकी बात कुछ और ही होती है। अगर
अगर आप सच में रिलैक्स करना चाहते हैं, दिस इज आज का सबसे ज्यादा रिलैक्सिंग और कंफर्टेबल रिक्लाइनर। इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 77,999 की। आई नो मैंने जैसे पहले कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक और मोटराइज रिक्लाइनर्स आर एक्सपेंसिव, बट दिस वन इज टोटली वर्थ इट इफ यू गो फॉर इट, बिकॉज दिस वन रियली मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल। एंड और मुझे ये लगता है गाइस कि अगर आपके घर में एक सोफा जो इतने साल लास्ट करे, तो ऐसा होना चाहिए जो वो सालों साल चलता रहे, और इस प्रोडक्ट में वो बात जरूर है। तो कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो, यार मैं आपको बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आराम से बैठ रहा हूँ क्योंकि मेरे को रिक्लाइनर की बहुत याद आ रही है। पर आप सब्सक्राइब करके जाना और हमें कमेंट में फीडबैक देना कि अगर आप चाहते हो और रिक्लाइनर्स पे बनाओ, और इलेक्ट्रॉनिक रिक्लाइनर्स पे बनाओ, और मैनुअल रिक्लाइनर्स बनाओ, या किसी और पे वीडियो बनाओ, उसका कमेंट में फीडबैक देना। मैं बता दूंगा, अब मैं रिक्लाइन कर रहा हूँ।